कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड गाइस होने भी चाहिए। तो करते हैं आज के नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत भाई। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट अपनी बाइक से। तब हमने देखे तो समझ ही जाओगे आज का ब्लॉग किसकी होने वाला है। बट मैं फिर से बता दूँ, आज मैं भाई जा रहा हूँ बरवानी। आपको सारा वहाँ का भी सिस्टम बताता हूँ कि कैसा वहाँ पर यात्रा का क्या सीन चल रहा है। एंड गाइस हेलीकॉप्टर से भी रिलेटेड हम सारी बात करेंगे यार। मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे तो मैं सारों के डाउट शेयर क्लियर आउट कर दूँगा आज के इस ब्लॉग में। हो सकता है ये ब्लॉग भाई 8 से 10 मिनट के बीच में बन जाए, तो थोड़ा यार ब्लॉग को देख लेना, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि जितनी बातें करूँगा सारी इंपॉर्टेंट ही करूँगा। बाकी फिलहाल चलते बाइक पे, पहले पेट्रोल वगैरह फिलअप कराते हैं। तो गाइस भाई भरमौर में ना ट्रैफिक वगैरह बड़ा हो चुका है यार। अब आप लोग भी मनी में आना चाहो भाई, यही बोलूँगा आज वेदर कंडीशन, रोड कंडीशन भाई सब कुछ ठीक है। तो गाइस भाई ट्रैफिक वगैरह चेक कर सकते हो यार, अभी तक हमने टैक्सी स्टैंड नहीं क्रॉस किया एंड ट्रैफिक इतना ज़्यादा लग गया है यार, क्या ही बताऊँ। मतलब बाइक्स निकलने तक की जगह नहीं है यार। रास्ते वगैरह भाई पूरे ठीक कर दिए हैं यार, अब आप लोग आ सकते हैं। मतलब जो पहले नॉर्मल थे, खड्डे वगैरह भी हुआ करते थे ना, मतलब वो भी ना भाई पूरे पूरे भर दिए गए हैं। तो मतलब इजीली आप आ सकते हो यार। पर देखो जिसको अच्छे से भाई बाइक या गाड़ी नहीं आती चलाना, तो रिस्क मतलब नीचे से भाई टैक्सी ड्राइवर लेके आते हैं, तो 50 to 100 rupees लेंगे भाई वो पर पर्सन। तो चुपचाप भाई उसमें आ जाओ, रिस्क मत लो यार। तो गाइस फाइनली यार बरवानी माता के मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं। बाकी ट्रैफिक तो आप लोग यहीं से देख सकते हो भाई कितना ज़्यादा है। अब यार आपको सारा सीन बताता हूँ, एक बार ट्रैफिक देख लो भाई कितना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल सीन था भाई ट्रैफिक के। एंड यात्रा से रिलेटेड अब हम यहाँ पे बात करेंगे, हेलीकॉप्टर सर्विस भाई सारी क्लिप्स वगैरह डाल दूंगा आपको, बताता हूँ कि क्या चला भाई, पोर्टल वगैरह, ऑनलाइन बुकिंग, A to Z सिस्टम। बाकी पहले पार्किंग में बाइक लगा लेते हैं यार यहाँ पे। फाइनली गाइस बाइक कार की पार्किंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो व्हीकल वगैरह, बाकी शॉप्स वगैरह मिल जाएंगी, प्रसाद वगैरह ले लेना। एंड यार गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे भी लग चुकी है, इस साइड भी भाई सारी जगह। बाकी हम चलते हैं दुकानें वगैरह, आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे यार। बाकी अब हम करेंगे भाई मनी में यात्रा से रिलेटेड बात, कि क्या भाई सारा सिस्टम चला है, हेलीकॉप्टर बुकिंग भाई। मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे बंदों के, तो वो भी आपको आगे चल के सब बताता हूँ। सो गाइस भरमानी माता मंदिर में यार जैसे हम जा रहे थे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे भाई लंगर का पूरा भाई सिस्टम लग चुका है। मतलब आगे तो एक लंगर स्टार्ट भी हो गया, बाकी ये जो लंगर अभी लग रहा है इसकी तैयारियां वगैरह मतलब ली हैं, तो 2 से 3 दिन में भाई यहाँ पे भी लंगर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई आप लोग आ सकते हो यार अब भरमानी माता भी। बाकी गाइस भरमानी माता के मंदिर में पहुंच चुके हैं, तो यार यहाँ की ना बहुत सी मान्यता है, जैसे कि मैं आप लोगों को अपने लास्ट ब्लॉग्स में बताता रहता हूँ, कि हमें मनी में यात्रा शुरू करने से पहले हमें भरमानी माता में भाई आना पड़ता है। और यहाँ की कुछ भाई मान्यता है कि यहाँ पे हमें स्नान वगैरह करके जाना पड़ता है। तो भाई आपको सारा मैं इसी नेक्स्ट ब्लॉग में भाई पूरी डिटेल बताऊँगा कि ऐसा क्यों है, बिकॉज मुझे भी पूरे तरीके से पता नहीं, बट थोड़ा बहुत पता है तो वो मैंने अपने पुराने ब्लॉग्स में बताया आप लोगों को। बाकी ज़्यादा डिटेल चाहिए होंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई, आपको सारी डिटेल वीडियो मिल जाएगा इससे रिलेटेड भी। बाकी फिलहाल चलते हैं दर्शन वगैरह करते हैं आपको सारा भाई भरमानी माता का, मैंने सोचा बता देते जाके एंड हेलीकॉप्टर से रिलेटेड भी बात कर लेंगे। तो पहले चलते हैं फिर मिलते हैं आपको आगे। सो गाइस भाई स्टार्टिंग में आपको कुछ इस तरह की दुकानें मिल जाएंगी, टॉयज वगैरह, प्रसाद वगैरह, A to Z भाई, टावल, कुछ भी आप चाहो भाई आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे भाई आपको येलो कलर का मिल रहा है, इतने ज़्यादा लोग हैं भाई ये लंगर लगा हुआ भाई, तो ये एक लंगर जो कि स्टार्ट हो चुका है अभी एंड 1-2 दिन तक भाई दूसरा भी स्टार्ट हो जाएगा। गाइस भाई दुकानें वगैरह लग चुकी हैं यार, देख सकते हो आप लोग, ये रहा भाई लेडीज़ का खुंडा, आई थिंक सो इस बार ये कर दिया है, टेंट वगैरह लगा के लेडीज़ वगैरह के यहाँ पे नहाती होंगी। एंड वहाँ पे जेंट्स का भाई ओपन ही है। बाकी माता वगैरह के मंदिर में माता वगैरह टेकते, पहले नहाते, स्नान वगैरह करते हैं, उसके बाद भाई देखते हैं क्या सीन बनता है। बाकी एक बार फिर बता दूँ, वैसे आप सबको भाई इस बारे में पता ही होगा कि मनी में यात्रा स्टार्ट करने से पहले हमें भरमानी में नहाना पड़ेगा। तो मेरा भाई अगर कोई भी आ रहा है तो भाई सबसे पहले ना भरमानी में आना, यहाँ से स्नान करके फिर आपका मनी में यात्रा जो है भाई वो पूरी होगी।
एंड गाइस फाइनली यार अब हम लोग भी भाई स्विमिंग पूल की साइड जा रहे हैं कि जल्दी से भाई हम लोग भी नहाएं एंड उसके बाद निकलें यार। इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको सारी मैं भाई इस ब्लॉग में दे दूंगा, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मेडिकल सर्टिफिकेट से, बिकॉज मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे यार कि भाई हमें बताओ हेलीकॉप्टर, मेडिकल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, तो भाई सारी बातें करेंगे। सबसे पहले भाई देख रहे हो यार कितना ज़्यादा रश हो चुका है यार, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था यार यहाँ पर। एंड गाइस भाई इतना ज़्यादा ठंडा पानी था मैं आपको बता नहीं सकता यार। बाकी आओ भाई सबसे पहले मनी महेश जाने से पहले भाई आप लोगों को भरमानी माता आना पड़ेगा, तो आओ भाई भरमानी माता विजिट करो, उसके बाद अपना भाई यात्रा कंप्लीट करो मनी महेश जाकर। एंड गाइस हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी आ गए हैं यार, तो अब आप लोग भाई ऑनलाइन टिकट्स बुक कर सकते हो, बाकी उससे रिलेटेड बातें हम आगे करते हैं। सो गाइस नहाने के बाद भाई जब आप नहा लो तो भाई कुछ इस तरह की शॉप्स आपको भाई कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए मिल जाएगी, एंड आप भाई इन्हीं शॉप से भाई प्रसाद वगैरह भी ले सकते हो, बाकी अपने बैग्स वगैरह अगर आप साथ लेके आए तो भाई इन्हीं की शॉप पे आप रख सकते हो। एंड गाइस भाई अभी यात्रा ऑफिशियली भाई स्टार्ट नहीं है, 26 से स्टार्ट हो गया, एंड लाइन देख रहे हो भाई अभी इतनी लंबी है, तो मतलब यात्रा टाइम सोच लो भाई भरमानी माता में कितना रश होने वाला है यार। फाइनली यार भरमानी माता से निकलने के बाद ना इस टाइम हम घराडू आ चुके हैं। घराडू मतलब भरमानी से 2-3 किलोमीटर नीचे एक लोकेशन है, बहुत प्यारी है, आप लोग भी इसको विजिट कर सकते हो, घराडू रेस्ट हाउस करके है, तो ज़रूर विजिट करो, अच्छी लोकेशन है। अभी यार मतलब भरमानी माता को तो देखो यार मैंने आप लोगों को ना यात्रा से रिलेटेड सारा अपडेट दे दिया है, रश वगैरह, दुकानें वगैरह, मतलब हर चीज़ मैंने आपको बता दी है कि पार्किंग वगैरह के मतलब 20 रुपीज़ पर बाइक ले रहे हैं यार, एंड कार का मुझे पता नहीं क्योंकि मैं बाइक पर गया था, तो मतलब इतना मैं आपको बता दूँ। बाकी कार का भी यार 30-40-50 रुपीज़ ले लेंगे। बाकी यार आप लोग आओ, अब यात्रा स्टार्ट है भाई, तबाही है। बाकी वेदर वगैरह यार बिल्कुल सही चला है, रोड कंडीशंस जो हैं भाई बिल्कुल ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा कि यार भाई रोड कंडीशंस का क्या चक्कर है वेदर का, तो यार वेदर देख सकते हो पीछे बहुत प्यारा है, एंड रोड कंडीशंस है ना वो भी भाई ऑल गुड है, तो आओ ज़रूर भाई यात्रा कंप्लीट करो अपनी। बाकी यार मुझे ना कल कमेंट्स आ रहे थे बहुत से कि भाई घोड़े वगैरह का क्या है, तो भाई घोड़े वगैरह आ चुके हैं यार, आप लोग अब जा सकते हो घोड़े पे, तो जाओ वहाँ पे जाके। एंड गाइज इस बार यार एक बात कर ले आपसे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो रजिस्ट्रेशन यार इस बार सुनने में आया इंपॉर्टेंट है, एंड मेडिकल सर्टिफिकेट भी, मतलब जहाँ तक मुझे अभी तक सुनने में आया यार, कंफर्मेशन तो इस चीज़ की दे नहीं सकता बिकॉज पहले लोग होते थे कि ऐसे चल जाते थे। कर लो यार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड मेडिकल सर्टिफिकेट, ऑनलाइन ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एंड जिसको नहीं आ रहा ऑनलाइन करने ना, जब आप भरमौर आओगे भाई रास्ते में भी आपका हो जाएगा, जगह जगह भाई कैंप लगे होंगे तो करवा लेना, अगर आप वहाँ पर नहीं करवा पा रहे हो तो हर सर भाई आधा 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो भाई वहाँ पे भी आपको कैंप मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, भरमौर में भी करवा सकते हो। तो गाइस भाई हेलीकॉप्टर का सीन कुछ ऐसा है, 2 हेलीकॉप्टर इस बार आए हैं जहाँ तक हमने अभी देखे हैं, क्लिप्स वगैरह मैंने पहले भी ऐड कर दी थी, अभी भी मैं कर दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। इस बार आपको भाई टिकट्स का सीन समझा दूं, तो ऑनलाइन टिकट्स भाई पर डे सिर्फ 60 हो रही हैं, मतलब 60 टिकट्स होंगी भाई एक दिन में ऑनलाइन। जब आपकी 60 टिकट्स कंप्लीट हो जाएंगी ना, तो भाई जो हेलीटैक्सी का भाई पोर्टल है ना भाई वो ऑनलाइन ही बंद हो जाएगा, मतलब एक दिन में सिर्फ आप 60 टिकट्स बुक करा सकते हो अपनी। एंड देखो यार जब आप भरमौर आओगे तो आपको टिकट काउंटर तो मिल जाएगा, बट यार यहाँ पे आके सीन पता क्या है, कभी एक दिन, कभी आधा दिन, कभी मिलने को लगे भाई सुबह ही मिल जाए, 5-6 बजे भाई बुकिंग स्टार्ट हो जाती है टिकट्स की, तो सुबह भाई अगर आप यहाँ आके कराना चाहते हो तो मतलब मैं यही बोलूँगा कि जल्दी करवा लेना, नहीं तो भाई एक दिन दो दिन भी लग सकते हैं यार, कोई पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। किसी को भाई और इन्फॉर्मेशन ना रिगार्डिंग भाई मनी महेश अपडेट मेरे से पूछनी होगी तो पूछ लेना, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके नया व्लॉग ला देंगे। किसी को भी भाई कोई भी इंक्वायरी क्वेश्चनिंग वगैरह करनी है तो मुझे अभी भी ब्लॉग के एंड में पूछ सकता है, क्वेश्चनिंग वगैरह कर लो कमेंट सेक्शन में भाई, मुझे कोई भी क्वेश्चन बनता जो किसी चीज़ से भी रिलेटेड दिक्कत हो रही है ना मुझे कमेंट बॉक्स में भाई आप लोग पूछ सकते हो, तो ज़रूर पूछो, रिप्लाई मैं देता हूँ, लास्ट ब्लॉग में भी हर किसी को रिप्लाई मिला था, इसमें भी दूंगा। तो करते हैं आज के ब्लॉग को इसी के साथ यहीं पे एंड, मिलेंगे आगे एक नए इसी की तरह एक और नए प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, एंड हर हर महादेव गाइस।